शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मैंने क्या बोला, आ रहा है ना वो? वो अभय नहीं आ रहा है। हमें तो पहले से पता था कि नहीं आएगा। दीदू, आपको सच बोलना बहुत पसंद है ना, तो बताइए ना क्या कहा उसने कि वो नहीं आ रहा है। जो पहले से अपना रास्ता चुन चुका है, अब वो दोबारा इधर पलट कर देखेगा ही क्यों? श्रद्धा, तुम हमारी नजरों के सामने से दूर हो जा। मम्मी जी, मेरी अभय से खुद बात हुई थी, वो आते ही होगी, वो अभी किसी काम में फंस गए होंगे। मैंने कहा ना, बाहर हो जा हमारे घर से। जी, अरे आप हमें क्या बोल रहे हैं? आप इसे कहें कि अभी के अभी ये हमारे घर से बाहर चली जाए, वरना हमारे मुंह से कुछ खराब निकल जाएगा। निकल जाओ हमारे घर से, जाओ। जाके आप भी आराम कीजिए अभय जी, आपने हमारे लिए इतना किया। ज्यादा लग गई है ना बेचारी को, ठीक से चल भी नहीं पा रही बिना सहारे के। हाँ माँ, आपको गौरी का ख्याल रखना होगा, पर ये कुछ दवा दी है डॉक्टर ने। और तुम? वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, उनके पास जा रहा हूँ। तो। लेकिन बेटा। माँ बाद में। कीर्ति अभी नहीं, अभी मेरा मम्मी के पास रहना ज्यादा जरूरी है। वाह, दीदू ने आखिर तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ वापस बुला ही लिया। झूठ बोलकर? यही बोला होगा ना कि चाची जी की तबीयत बहुत खराब है, वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। अगर तुम बकवास करने जा रही हो ना, तो भगवान के लिए चुप हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे सबूत। सही समय पे सही जगह पे पहुंच के ये तस्वीर खींच के हमारा काम और आसान कर दिया है आपने गुलाल। कमाल है, तुम अभी तक दीदू को समझ नहीं पाए हो क्या? अपना काम कराने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी झूठ बोल सकती है। तो ये नाटक ना चाची जी ने और दीदू ने मिलकर किया है ताकि तुम यहाँ आ जाओ। वैसे भी दीदू चाहती नहीं थी ना कि तुम इस घर से जाओ। हमें तो लगा था कम से कम अपनी मम्मी को और अपनी बीवी को तुम पहचानते होगे, पर नहीं। हाँ भी, आप जानती है ना, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्लीज कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। आइए चलिए। हाँ भाई, हमारा बेटा आ गया। बस मम्मी, बेटा तुम बाहर काहे खड़े हो? बात कराओ ना। क्यों कर रही हैं आप ये नाटक? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? बेवकूफ समझा मुझे आपने? आपको क्या लगा आप ये बीमारी का नाटक करेंगे और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा?
छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो तुम अपनी माँ के बारे में ये सब बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ बुआ जी, आप तो यही कहेंगी, कम से कम आप तो मम्मी के इस झूठ में उनका साथ मत दीजिए। और आप ऐसा भद्दा मजाक मेरे साथ फिर कभी मत करिएगा, वरना मेरा हमारे रिश्ते के ऊपर से ना विश्वास उठ जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो अभय मम्मी जी से मिलने के लिए नहीं आए, जबकि उन्हें वो बेटा थक गई थी ना, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए पैर सीधे करके बैठ गई। आंटी जी, वो घर में कुछ हुआ था क्या? हाँ बेटा, क्यों क्या हुआ? जब घर में भी सब कुछ ठीक है तो भी अभय नहीं आए मम्मी जी से मिलने। जी बुआ जी, घर पे सब ठीक है ना? मम्मी जी ठीक है? कैसी होगी जब तुम्हारे पति ने मुंह खोलकर इतना भर भर के अपनी माँ को सुनाया? क्या? अब मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। वो तो तुम बताओगी ना श्रद्धा, तुम बताओगी कि अभय को ऐसा क्या हो गया है जो उसने अपनी माँ पर नौटंकी होने का इल्जाम लगाया। तनुजा भाभी अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, मुश्किल से अनुज भैया ने दवाई खिलाकर उनको सुलाया है, वरना रो रो कर उन्होंने अपनी हालत खराब करके रखी है। एक बात तुम समझ लो श्रद्धा, संभालो अभय को। अगर उसने अपनी जबान ज्यादा चलाई ना तो हम इस बार उसको सुनाएंगे नहीं, सीधा डंडा उठाकर पीट देंगे बस। मगर बुआ जी, मैं आपको अंदाजा भी है क्या किया है आपने? मम्मी जी की हालत इतनी खराब है ये बात आप जानते हैं, उसके बाद भी आप उन्हें इतना बुरा सुनाकर चले आए। कब से वो आपका इंतजार कर रही थी और आप है कि बंद करो अपना नाटक। और कितना झूठ बोलोगी तुम? क्या कहा था तुमने कि मम्मी ने कुछ खाया पिया नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब है, तुम खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। ये बात आपको कैसे पता? वो तो अच्छा हुआ मुझे कीर्ति मिल गई, पर उसने मुझे बताया। सबूत के नाम पे तुम दोनों की फोटो मेरे मुंह पर मारी उसने। मगर अभय, जो आप जानते हैं वो पूरा सच नहीं है। माँ, आराम से। बेटा तुम दोनों ऐसे लड़ा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे की खुशहाल जिंदगी में इतना तनाव, वो भी मेरी वजह से। नहीं बेटा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। आइए। कीर्ति, ये माँ बेटे के बीच में आकर तूने बहुत गलत किया है, और इस बारे में मैं तुझसे करूंगी सीधी बात। ये गुलाल हमें बिना बताए कहाँ चला जाता है, अब क्या इसके पीछे भी हम लगे रहे? कीर्ति, अरे दीदू, क्या हुआ? आज ऊपर जाने की वजह आप हमारे घर का रास्ता कैसे तय कर लिया? क्या हुआ है? कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो चाहती हूँ कीर्ति, मगर समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ मैं तुझसे। मेरी अपनी सगी बहन इतना नीचे गिर जाएगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने। तुझे पता है डर लग रहा है मुझे तेरे लिए कीर्ति। एक माँ को अपने बेटे से कैसे दूर कर सकती है तू?
एक मिनट, माँ को बेटे से हमने अलग नहीं किया, हमें तो बस आपको ठेस पहुंचानी थी। वैसे आपकी ताकत तो ये परिवार है ना, इस परिवार की एकता, तो हमने सोचा क्यों ना वो एकता ही तोड़ दे। और इस परिवार को टूटते हुए देख के आपको जो तकलीफ हो रही है ना दीदू, उसे देखकर हमें बहुत शांति मिल रही है। वैसे हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि कुल्हाड़ी तो अपने पैर से आपने खुद ही गिरा ली थी। अब है कि असली माँ को इस घर में लाकर, तो हमें तो बस उस कुल्हाड़ी को उठाना था और फिर से आपके पैर पे पटक देना था। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही है, दुख से बहुत थक गई होगी, रुक जाइए। अरे दुख में देखिए ना कितनी परेशान लग रही है, आप पानी पीजिए। लीजिए दीदू पानी पीजिए। अपनों की खुशी में खुश होते हैं कीर्ति, और दुख में दुखी, मगर तू अपनों को दुख में देखकर जश्न मनाना चाह रही है, कभी खुश नहीं रहेगी तू कीर्ति, बहुत पछताएगी तो एक दिन, और देखना उस दिन तेरा साथ देने के लिए तेरे अपने भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। जीत का जश्न ही खराब कर दिया, मूड ही खराब कर दिया दीदू ने हमारा। अरे कैसन बात कर रही हो बीवी जी, हैं? हमरे रहते अगर आपका मूड खराब हुई गवा तो लानत है हम पे, वेरी मच लानत है। आथू इधर आओ, गाओ इधर आओ। कौन है ये लोग, किसको लेकर आ गए हो घर पे? बचपन की यार, अब तो हमरे जीत के जश्न के रंगवा में पूरा दंगवा मिलाई थी। ये कैसी रही? बहुत ही खराब रही। क्या हुआ? सुनो, अपनी नालायक दोस्तों को बोलो कि जाए हमारे घर से, बोलो जाओ। ये कहाँ कह रही हो बीवी जी, आपके लक्ष्य में इतना साथ दिए रहे हम, और आप हमारी थोड़ी सी खुशी में साथ ना दे सके हैं? कौन से हमरे यार सब यहाँ लंबा देरा जमाए खातिर आए रहे, भंग डाल रहे हमारी पार्टी में, चलिए एंजॉय कीजिए। चलो रे गुलाल, ये शराब, गुलाल तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता। चलो चियर्सवा, चियर्सवा। गला कलेजा नसे सब खुल गया रे भाई लोग। क्या कर रहे हो, क्या तमाशा लगा रखा है? अरे तमाशा शांत करने की दवा है बीवी जी। भैया ये भाभी जी को जलन हो रही है का, कि हम इनको पूछे नहीं? बताइए भाभी जी का लेंगी? छोटा की पटियाला। भाभी जी का तुम बनाओ पटियाला, हम चलाए रे कनपुरिया गाने। अभी हम लगाते हैं गाना। बेशरम बदतमीज इंसान, तुम्हें हम अपने घर में लेकर आए, सड़क छाप कहीं के। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे सर पे नाचोगे? हा गुलाल अपनी औकात में रहो, बता रहे हम। अरे ओ झुललुआ, मेरा मतलब है गुललुआ। तुम तो भैया बीवी के बहुत बड़े गुलाम निकले यार, बीवी को कारों की जूती के नीचे दबा के रखना था, तुम तो बीवी के पैर दबाने वाले निकले यार। अच्छा बताएं हम तुम्हें, इसकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की, वो हमें जूती के नीचे दबाएगा, नीचे, हाँ नीचे दबाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें? हिम्मत तो तुम्हारी पड़ रही है कुछ जी।
जब देखो छपड़िया ही रही, लुगाई को लुगाई की तरह रहना चाहिए। और हम पति बनने में आ गए ना, तेरी जो मुंह खोलत हो ना, इतना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अरे साहब, कभी खुश नहीं रहेगी तो कीर्ति, बहुत पछताएगी तो एक दिन। और देखना, उस दिन तेरा साथ देने के लिए तेरे अपने भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। मम्मी जी, अभय ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसने हमें सिर्फ चार बातें नहीं सुनाई बल्कि हमारी ममता पे उंगली भी उठाई। नहीं मम्मी जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए सिर्फ कीर्ति जिम्मेदार है। उसी ने अभय को भड़काया है। मम्मी जी, आप बस एक बार और मुझ पर भरोसा करके देखिए। अभय को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो आपके पास जरूर वापस आएंगे और कीर्ति को उसके किए की सजा मिलेगी। जब गुलाल अपनी असलियत उसके सामने ले आएगा तब आएगा उसे होश। होश में खुद आओगे या और पानी मारे? बहुत तमाशा कर लिया तुमने कल, अब उठो और निकल जाओ हमारे घर से। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान उसकी असली जगह पर हम फेंक आएंगे। निकलो यहां से। अगर कल ही तुम्हारे थप्पड़ का जवाब हम थपड़ियाई की दे दे रहते ना, तो आज इतना हमरे पे छड़े का हिम्मत ना होता तुम्हारा। गुलाल! अरे रे 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 साली जी, ऐसे कहे देख रही हमको? देख लिया नतीजा? तो मुझे नीचा दिखाने में खुद इतनी नीचे गिरती चली गई कीर्ति, कि इस आदमी से हाथ मिला लिया तूने और एक बार ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। खैर जो भी है, वो कहते हैं ना कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही पाता है, तो अब भुगत ना इस आदमी की बदतमीजियां। आज तो सिर्फ तेरे सामने इसकी जुबान चल रही है, कल हाथ भी चलने लगेगा, फिर क्या करेगी तू? आखिर तेरे पति जी है ना ये, प्यार करती है तो इनसे। अब इस रिश्ते को तुझे निभाना तो पड़ेगा ही ना कीर्ति? बुरा लग रहा है मुझे देख के, आज मेरी बहन का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा है, उसका खुद का आत्मसम्मान भी नहीं। श्रद्धा साली जी, क्या खूब समझदार रही है। अभी काम करो, तनिक भर अकल खुद में भी ले आओ है, और फिर कभी अगर ऊंची आवाज में हमरे से बात की रहे सॉरी सॉरी
टेटुआ दबाई थी तुम्हारा का सकल का देख रहे हो, अब एक काम करो, गर्मा गर्म चाय पिलाई दिए हमका, सर घुमत रहे, जाओ। चाय पीना आपको पति जी? बिल्कुल। थैंक यू। पति बनोगे हमारे? हाथ उठाओगे हम पे? हाथ उठाओगे? और तुम? मैं तुम छोड़ेंगे नहीं। पति बनोगे हमारे? हाँ, पति बनोगे? अब बताई दे तुमको। माँ और बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता। ममता के सामने तुम्हारी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है श्रद्धा। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, अगले 7 दिनों में मैं अभय को तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। अभय सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ हो जाएगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।